सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, लेकिन ये क्या, आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? सामने इतनी खूबसूरत बीवी बैठी है और मुझे चक्कर आ रहा है। नंदिनी, क्या तुमने अपने हाथ में कोई नशीला परफ्यूम मारा है या फिर विषकन्या बन गई हो? तुम्हारे हाथ चूमते ही आखिर मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अरे नहीं कृष, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आखिर तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट पे क्यों बेहोश करूंगी? शादी और सुहागरात तो हर किसी का सपना होता है। लड़की का सपना होता है, लड़के का सपना नहीं होता है सुहागरात मनाना। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। लड़की का नहीं होता है, ये दोनों का होता है एक्चुअली, एक दूसरे दोनों का होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ पैटर्न कुछ टाइम में दिख रहा है। ज्यादा एक्साइटमेंट में कृष्ण ने पता नहीं क्या कर दिया, अंदर गया तो जितने भी उसके अरमान थे, जितनी भी एक्साइटमेंट थी, वो पता नहीं उस घूंघट के साथ ना वो उठा ही नहीं पाया, तो गिर गया वो बेचारा, लेट गया वहाँ पे। और मैं तो यही सोच रहा हूँ सुबह को जब वो उठेगा तो नंदिनी के सामने मतलब क्या करेगा, क्या वो बेचारा। कोई बात नहीं नंदिनी एंड क्रिश, क्यों लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप दोनों के शादी की पहली रात है और आप दोनों इसे यूँ लड़कर वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट बाबा। ये क्रिश भी ना बिल्कुल पागल है, पहले तो मेरे हाथ को किस करते ही न जाने क्यों बेहोश हो गए, और अब मैं जब अपनी नेल पॉलिश ठीक कर रही हूँ तो उसमें भी मस्ती कर रहे हैं। अरे अब जब मैंने ही तुम्हारी नेल पॉलिश खराब की है तो मैं ही ठीक करूंगा ना। ये लड़की भी ना समझती कम है और बोलती ज्यादा है। अभी नहीं हो पाया मुझसे यार, मैं क्या भी नहीं कर पा रहा नहीं। बंद तो कर दिया मैंने यार, कम ऑन चेक कर लो यार, बंद कर दिया है, इतना कर सकता हूँ मैं, खोल भी सकता हूँ अगर बोलूंगी तो। भाई इनकी ये फर्स्ट नाइट एंटिक नाइट बन गई है, लेकिन फिर भी इनकी ये मस्ती और नोक झोंक हमें तो बड़ी पसंद आई, एंड आई होप कि आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनके फर्स्ट नाइट के रंग में भंग किसने डाला है, क्रिश को बेहोश करने की चाल किसकी है, ये सब बताएंगे हम। बस आपको यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा और देखते रहना होगा टेली मसाला।